स्टेट में स्टैंडर्ड 9 से 12 तक की कक्षाएं नेक्स्ट मंडे अर्थात 28 सितंबर से प्रारंभ करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। इसके लिए डिटेल गाइडलाइंस हम लोग इशू करेंगे और गाइडलाइंस का आधार वही होगा जो फैमिली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस इशू किया था 8 सितंबर को, उसी को ध्यान में रखते हम लोग गाइडलाइंस इशू करेंगे। बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, बच्चे सुरक्षित ढंग से आवें और कक्षाओं का संचालन हो, इस निमित्त जो भी निर्देश होंगे वो दिए जाएंगे। मोटे तौर पे ये निर्णय एसओपी क्या होगा उसमें, मतलब एसओपी जो पहला है, जैसे जो पेरेंट्स के कंसेंट से ही बच्चे आएंगे, एक दिन में अधिकतम जो स्ट्रेंथ है उसका 1/3 आएगा और एक जो बच्चे जैसे एक बच्चों का ग्रुप हो जाएगा, एक जो मंडे को बच्चे आएंगे फिर वो थर्सडे को आएंगे, इसी तरह जो मंगलवार को बच्चे आएंगे वो फ्राइडे को आएंगे और जो बुधवार को आएंगे वो सैटरडे को आएंगे और एक बच्चा अधिकतम 2 दिन 2 डे इन अ वीक हुआ और इस तरह से 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ आएंगे और प्योरली वॉलेंट्री बेसिस पे आएंगे, जो बच्चे आना चाहेंगे वहीं आएंगे और जो हेल्थ डिपार्टमेंट जो भारत सरकार का है उसका जो गाइडलाइंस है उस एसओपी को फॉलो किया जाएगा। अगर कोई एग्जाम ड्यू हो तो एग्जाम पे अभी चर्चा नहीं हुई है, सिर्फ अभी कैसे कक्षाओं का संचालन प्रारंभ हो, जो एक जड़त्व की स्थिति है लॉकडाउन के कारण जो कक्षाएं बंद है उस जड़त्व को कैसे तोड़ा जाए और जो भारत सरकार का जो गाइडलाइंस है उसको हम लोग ध्यान में रखें तो कक्षाएं प्रारंभ करें। स्कूलों के लिए क्या गाइडलाइंस, स्कूल खुलेंगे उसके पहले उनको तैयारी करनी होगी। हाँ, स्कूल प्रिपेयरनेस के लिए उनको डिटेल गाइडलाइंस 1-2 दिन यहाँ से हम लोग इशू कर देंगे। इसका मेन आधार वही है जो 8 सितंबर को भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने गाइडलाइंस जो इशू किया है उसको रिट्रिएट करते हुए हम लोग अपने सिस्टम के माध्यम से नीचे डाउन द लाइन स्कूल तक मैसेज कन्वे करेंगे कि वो लोग प्रिपेयर्ड हों और इसके साथ साथ जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको भी हम लोग मैसेज कन्वे कराएंगे ताकि जो मंडे को बच्चे जो आए वो सुरक्षित तरीके से बच्चे आ सकें और विद्यालय इसके लिए पूरी तैयारी। शिक्षकों की संख्या को भी कुछ सीमित करने की बात कही गई है, शिक्षकों की संख्या अभी 50% तक रखने की बात है कि शिक्षक की भी 50% उपस्थिति हो ताकि वो स्कूल में प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए टीचर्स की भी संख्या 50% तक ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। हाँ, एज इट इज जो बाकी व्यवस्थाएं वो चलते रहेंगी, चाहे वो हम लोगों का दूरदर्शन के माध्यम से हो रहा हो या ये हो रहा हो, कोई व्यवस्थाएं चलती रहेंगी।